सान का जो यूवी वी यूवी बीरस हमारा स्किन में आ रहा है तो क्या कर रहा है मेलानिन जो मतलब कलर पिगमेंट जो हमारा बॉडी का होता है मेलानिन से डिसाइड होता है ठीक है okay. तो मेलानिन कैसे प्रोड्यूस होता है मेलानिन होता है मिलानोसाइड नाम का एक सेल्स होता है उधर से मेलानिन प्रोड्यूस करता है वो मेलानिन प्रोड्यूस करता है तो अभी मेलानिन प्रोड्यूस होता है टाइरोसिन टाइडोसिनियस पाथवे से तो जब यूवी यूवी यू वी बीरस आ रहा है वो वो पाथवे को एक्सलर्ट कर रहा है एंड आपका टैन पड़ रहा है हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बहुत ही यंग और डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद है ये हैं डॉक्टर देवान गोस्वामी दोस्तों ये बड़े यंग हैं और काफ़ी यंग उम्र में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव किए हैं ये एक डॉक्टर हैं ऑन्ट्रप्र हैं और ये मिस्टर इंडिया टू फैशन भी जीत चुके हैं सो प्लीज़ प्लीजान जो थैंक यू फॉर देवान जॉय फॉर कमिंग ऑन शो सो इतनी सारी चीजों में इंटरेस्ट और पैशन कैसे जागा कोई फैमिली बैकग्राउंड से आया या अपने खुद ही बैकग्राउंड no, uh, से तो नहीं आया क्योंकि मेरा पेरेंट्स बहुत और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो उन लोगों से मेरे को बिजनेस का तो नहीं आया लेकिन वो मेरे से खुद जब मैं हाँ डॉक्टोरियम एमबीबीएस में मेरा मम्मी पापा बहुत हेल्प किया है मेरा लेकिन मैं बिजनेस फैशन मॉडलिंग ये मेरा पूरा खुद का ही पैशन है खुद का ही करना चाहता हूँ मैं छोटा सी मतलब कुछ यूनिक करना चाहता हूँ मतलब आ, सब लोग जो कर रहे हैं थोड़ा सा मैं वो करूँगा थोड़ा सा हट के करूँगा मतलब ऐसा मेरा एम है तो इसलिए मैं जब एम बी में, में फाइनल ईयर में था दिस ईयर ओनली फोर्टीन फेब्रुवरी मैंने मेरा ओन स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स बंडी जी कॉस्मेटिक को स्टार्ट किया है तो और दिस ईयर इन द नवंबर ओनली द मिस्टर इंडिया फैशन मॉडलिंग चैंपियनशिप हुआ था दिल्ली में तो उधर मैं फर्स्ट प्राइज़ भी लिया तो मेरे को मतलब मॉडलिंग में मॉडलिंग ऐसा करियर लेना है कि वो बात का आ, सोचे लेकिन मतलब मेरे को वो अच्छा लगता है करने में इसलिए मैं करता हूँ दैट सेट सो कॉस्मेटिक्स पे आपने ब्रांड अपना चालू किया है और न। न। आप पढ़ाई भी डर्मेटोलॉजी और एक्चुअली no, actually, मैं एम कर रहे हैं एम बी बी एस किया हूँ तो okay. परसों कर रहा हूँ उसको आप परसों अभी कर रहे हैं सो स्किन केयर की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या मिथ आपको लगते हैं कि लोगों में होते हैं स्किन केयर के लिए और आ, कुछ ऐसे रूटीन्स आप बता पाए जो लोगों को फॉलो करना चाहिए अपनी स्किन केयर के लिए पहले अगर रूटीन फॉलो करना है तो मैं आप सबको एक ही बात बोलूँगा तीन चार बेसिक स्टेप से वॉक फॉलो करोगे तो आपका स्किन बहुत अच्छा हो सकता है ओके okay. तो फास्ट स्टेप इज मतलब आप जब कहीं बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगा के बाहर चाहिए तो बिकॉज okay. मैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होता है क्योंकि हमारा जो सान सान का जो यू वी ए यू वी बी रेज आता है वो हमारा स्किन में जब बढ़ता है तो स्किन का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो okay. तो इसके लिए फोटो एलर्जी वगैरह हो सकता है बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसके सान स्किन लगा के बाहर जाइए और सेकेंड आप जब बाहर से वापस आ रहे हो तब तभी के तभी अब फेस को वॉश कर लीजिए ओके ओके okay. एंड तो, okay. तो इसमें क्या होगा आपका जो फेस में कुछ लगा आया तो वो आपका स्किन में मतलब पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा तो आपको ब्रेकआउट्स नहीं होगा तो आप ये काम कर लीजिए और रात को आप जब सोएंगे एक मॉइस्चराइजर एक नाइट क्रीम लगा सो के सो जाइए और सुबह उठ के फेस वॉश कर लीजिए और सनस्क्रीन लगा के बाहर चले जाइए ये बेसिक्स मतलब आपको ये करने में फाइव टू टेन मिनट्स लगेगा लेकिन आप अगर ये करोगे तो आपका स्किन का बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकता है सो so, इसमें कई लोग ये कहते हैं कि जो ये केमिकल्स आते हैं दे कैन बी हार्मफुल तो इसमें नेचुरल तरीके ज़्यादा बेटर रहते हैं या केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि आप तो स्किन केयर ब्रांड भी चला रहे हैं या सो डू यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि दोनों का बैलेंस रखना है या क्या जरूरी है या आप जो बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो मतलब देखिए नेचुरल में आपका साइड इफेक्ट शायद नहीं मतलब नहीं होगा केमिकल्स में साइड इफेक्ट शायद आएगा लेकिन अगर आपको कुछ रिजल्ट आपको शायद मिलाजमा हुआ है ठीक है आप मिलाजमा कोई नेचुरल तरीके से आप उसको हटा ही नहीं सकते हो आपको केमिकल यूज़ करना ही है मिलाजमा के लिए पील वगैरह आपको करना ही पड़ेगा ठीक है तो अभी क्या आप कर सकते हो कि आप कोई अगर कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ यूज़ कर रहे हो तो आपको वो बोल रहे हैं कितना मतलब तो बहुत परसेंटेज होता है पिल का टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट तो वो आपको सैस कर देगा आप कौन सा पिल लगाओगे अगर आप खुद से लगा लिया तो आपको ये भी वैसे बेनिफिट्स मिल सकता है ऐसा नहीं कि बेनिफिट मिलेगा नहीं लेकिन आपको स्किन का बहुत डैमेज भी हो सकता है क्योंकि आपको पता नहीं ना कौन सा परसेंटेज किसके लिए आपको अप्लाई करना है सपोज आप टैक्निकल अगर स्टेज फोर है तो आपको आपको जो सेलिसलिक पिल है या जो ब्लैक पिल है आप वो लगा रहे हो थर्टी परसेंट समथिंग लगा रहे हो लेकिन अगर आपका स्टेज वन है तो थर्टी परसेंट लगा क्या ही करोगे आप टेन परसेंट लगाओ तो उसके ऊपर बेसिस करके हम लोग पील देते हैं okay. ओके तो वो आपको वो कौनसल करके आप लेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होगा और नेचुरल में साइड इफेक्ट्स तो नहीं है लेकिन केमिकल में भी ये बहुत बड़ा मीथ है कि केमिकली कुछ चीज़ आप लगा लिए साइड इफेक्ट्स आपको होगा ऐसा कुछ है ही नहीं आप अगर प्रॉपर तरीके से लगा रहे हो तो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होगा तो अगर आप साइड इफेक्ट्स का बात बोलोगे तो आप आ, मेरा हम लोग जब एम बी बी एस किया है तो फार्माकोलॉजी बुक में ये भी लिखा है कि पैरासीिटामॉल आप खाओगे तो पैरासीटामोल का भी साइड इफेक्ट्स में लिखा है नोजिया वॉमिटिंग एब्डोमिनल पेन तो सबको तो नहीं होता है लेकिन इससे साइड इफेक्ट्स में ये होता है इसके लिए आप पैरासी खाना छोड़ दिया आपका आपका फीवर होगा तो पैरासिटॉल को खाना ही पड़ेगा तो यानी कि मोटे तौर पर जो मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि आप अगर केमिकल्स में जाते हैं तो किसी स्पेशलिस्ट की काउंसलिंग या उसकी कंसल्टेशन के बाद जाए सो so दैट आपको करेक्ट डोज करेक्ट स्टेज करेक्ट डायग्नोसिस मिले ये नहीं कि जस्ट मेडिकल पे गए और कुछ चीज़ ला करके आ गए और लगा दिया तो इसमें एक और चीज़ आता है कि जैसे टीवी में कई एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और जिन एडवर्टाइजमेंट्स में लोग कई प्रकार के क्लेम करते हैं जैसे पहले फेयर एंड लवली का आता था या ऐसे अलग अलग एड्स आते थे जिसमें वो क्लेम करते थे कि आपकी स्किन गोरी हो जाएगी और ऐसा चला जाएगा इतने दिन में चला जाएगा तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जो टीवी पे क्लेम्स आते हैं ये क्लेम किस हद तक करेक्ट है नंबर वन और सेकंड चीज़ क्या इन चीज़ों को विदाउट कंसल्टिंग विद अ डॉक्टर क्या आप लगा सकते हैं इन जनरल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब क्रीम मतलब ऐसा कुछ कुछ ग्रेट रिजल्ट नहीं देता है फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं देता है ऐसा, ऐसा, ऐसा क्रीम कोई अच्छा आपको मतलब लगाएंगे पंद्रह दिन बाद आपका ऐसा स्किन ऐसा हो जाएगा सब कुछ नहीं है मीथ है पूरा एकदम मीथ है वैदर आपके स्किन को ख़राब कर सकते क्योंकि आपको पता भी नहीं है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है क्या नहीं है तो आप डॉक्टर का कंसल्ट करके लगाएंगे तो को प्रॉब्लम से आप मतलब दूर रह सकते हो और मेरे को तो लगता है मतलब आप चाहिए तो मतलब जब जो लोग देख रहे हैं उनको चाहिए तो आप लोग लगा सकते हो फैन लफ्लिक या कोई भी आ, क्रीम ऐसा खरीद के लेकिन मेरे को तो नहीं लगता इसका कोई रिजल्ट आता है मेरे एक जानकार भी हैं और रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर है सोशल मीडिया पर फूड फार्मर करके उनका इंस्टाग्राम पेज चलता है सो so, वो बहुत जो पैकेजिंग पे क्लेम्स लिखे होते हैं बोनविटा पे उन्होंने ऐड बनाया था और अलग अलग फूड पैकेजिंग पे वो आई एम श्योर आपने देखा, देखा होगा राइट right? एंड uh, काफ़ी सारी उन पर केसेज़ भी किए गए एंड प्रॉब्लम्स भी आई उन्हें बट अल्टीमेटली ही इज स्टिल फाइटिंग एंड डूइंग अमेजिंग थिंग्स तो इस प्रकार की गलत क्लेम्स uh, क्या पैकेजिंग पे बहुत सारी ये कॉस्मेटिक्स कंपनी जो होती हैं डू यू थिंक दे डू that? ना देखिए ऐसा कोई परफेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आप क्या मतलब गवर्नमेंट से ऐसा कुछ है नहीं कि आप क्या लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो तो एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं तो आप तो आपको क्या लगता है कि फिल्म स्टार लोग जो मतलब सपोज कोई कुछ भी जंक फूड का ऐड कर रहे हैं तो वो लोग वो खाते कभी नहीं खाते वो लोग लेकिन वो लोग ऐड कर रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट दे दर गेटिंग पेड मैं उनको भी कोई गलती नहीं बोलूंगा दे आर गटिंग पेड एंड देर डूंग एडवर्टाइजमेंट Yes. अभी अभी सब तो एकदम आइडियलिस्टिक लग, लगे नहीं नहीं चल सकते ना मतलब गेटिंग पेड एंड दे आर डूइंग लेकिन आपको विचार रहना चाहिए कि आप कौन सा देखोगे या देखोगे वो लोगे कि नहीं लोगे दैट इज अप टू यू राइट तो आई थिंक यहाँ पे ऑडियंस को ये अवेयरनेस रखने की जरूरत है कि जस्ट बिकॉज कोई फिल्म स्टार या कोई सेलिब्रिटी आके किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा खुद भी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है या फिर वो एक्चुअली रियल लाइफ में कंसिस्टेंटली uh, अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहा है शायद तो को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी नहीं है क्या इंग्रेडिएंट्स है आ, तो आपको खुद की अवेयरनेस रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है राइट क्योंकि कुछ सेल्स तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हाँ, कि आ, हैं। नहीं करेंगे जैसे सचिन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं एक जगह पढ़ रहा था कि उनके पीक करियर के दौरान कई करोड़ों के ऑफर उन्हें ये गुटखा का कंपनियाँ या इस प्रकार की कंपनियाँ आकर के उन्हें देती थी नहीं निवर टुक वो कभी भी इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं लिया जो भी उसके मॉरल या एथिक्स के अगेंस्ट था वो उसने नहीं किया बट हर कोई इतना एथिक्स इतना स्ट्रॉन्ग एथिक्स या डिसिप्लिन या मॉरलिटी अपनी लाइफ में लेकर के चल नहीं सकते सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बट एट द सेम टाइम द ऑडियंस हैज़ टू बी वेरी अवेयर कि आप uh, किस प्रकार के प्रोडक्ट जो ले रहे हैं

Patient compliance is my first priority, not to sell my products. So true. Or in fact, if you add value add it will hit. Ultimately, profits, business will run. If you are creating real value, create kar rahe ho to. so true. So uh, one more thing uh, that many times uh, you know my students or many people I have seen they come up with this question that they are not comfortable with their skin or maybe they are not comfortable with the way they look. Okay. एंड बिकॉज ऑफ दिस इट्स समहाउ इम्पैक्ट्स देयर सेल्फ इस्टीम सो आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है कि क्या आप कैसे दिख रहे हैं या आपका चेहरा कैसा है आपकी स्किन कैसी है या उनकी सेल्फ इमेज या सेल्फ इस्टीम को कैसे इम्पैक्ट करती है बहुत पेशेंट मेरे पास आया है मतलब मैं अभी देखा हूँ तो ऐसा मतलब दे आर गेटिंग डिप्रेस्ड मतलब आप समझ नहीं पाओगे मतलब उसका स्किन ख़राब है वो देखने पे मतलब जो भी है तो दे आर गेटिंग सो डिप्रेस्ड मतलब किया सर हमारा स्किन या ये हो गया हम उनको हमको ऐसा देखना अच्छा नहीं लगता है हमको ऐसा कर दीजिए मिसकिन ऐसा कर दीजिए वो कर दीजिए तो देख डिप्रेस तो उसके लिए मैं सबको बोलता हूँ कि देखिए मतलब यू कैंट चेंज यूअर सेल्फ ना बट हाँ आई थिंक इन माई ओपिनियन की रिप्रजेंटेबल रहना भी बहुत ज़रूरी है मतलब यू हैव टू बी रिप्रेजेंटेबल मतलब right. आप कहीं जगह जा रहे हो आप ऐसे मतलब एक मतलब दोनों का सेम क्वालिटी है

फिर उसको मतलब फिर वो जब ठीक हो गया वेन दे कम एंड टेल ना सर रियली इट्स मेरा कल रियली इट्स वेरी गुड तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब ऐसे भी बहुत लोग हैं जो स्किन कलर लेके भी बहुत मतलब आ, मतलब सर मेरा स्किन थोड़ा डस्की में टैन पर गया तो टैन ठीक कर दो बचपन में बहुत गोरा था अभी थोड़ा आ, डार्क हो गया तो उसके लिए भी हम लोग उसको कर दिया अभी जब उसका स्किन कलर पहले से अच्छा हो गया तो अभी आया कि सर इज रियली मेरा क्रीम रियली लव मतलब वो वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट लगता है कि हाँ मतलब किसी को हम खुश कर पाए आई थिंक uh, आप आपकी जो बॉडी इमेज होती है आपका चेहरा कैसा दिख रहा है एक तो है कि आपकी कितनी फिटनेस मसल्स वो सब तो होता ही है बॉडी इमेज का हिस्सा लेकिन बहुत से लोगों के लिए जब भी वो आईने में देखते हैं तो उनका चेहरा सबसे पहले दिखता है और स्पेशली टीनेजर्स में चलिए एक बार आपकी शादी हो गई है बच्चे हो गए हैं फिर वो आपकी बॉडी से आपका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा छूटने लगता है उसके बाद में आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आइडेंटिफाइड नहीं होते हो बॉडी से लेकिन टीन लाइफ में बॉडी से चेहरे से स्किन से आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग रहता है तो इवन मैंने कई बार देखा है लोगों को कि अगर एक पिम्पल हो जाए तो अकेले रहने लगते हैं घर से बाहर नहीं निकलते जितना समय वो पिम्पल है वो इतना मूड उनका डाउन रहता है इवन देयर मूड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द फेस दैट हाउ दे आर लुकिंग राइट So, अगर आप इस पर कुछ टिप्स दे सकें या मैं स्पेशली यंगस्टर्स के लिए आ, पूछ रहा हूं कि अगर किसी के जो टीन के अंदर जो इतना एक्ने निकलता है उसके लिए क्या कर सकते हैं और जो टैन हो जाता है कुछ लोगों का जो स्किन में आ, थोड़ी टैनिंग हो जाती है उसके लिए क्या किया जा सकता है वोट एफर्ट्स तो के बात में आते हैं। तो अगर टैन आपको पहले में बोलता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर ओके okay, तो आप बाहर जब जा रहे हो लगा के जाओ तो टेन आपको पड़ेगा नहीं मैं नहीं बोलो थोड़ा कम पड़ेगा ठीक है रिड्यूस रिड्यूस होगा हाँ. होगा तो अभी आप जब ये तो पहले आप प्रिवेंशन हो गए क्योर कैसे करेंगे आप जब अब घर आए तो घर को पहले आके आप अब फेसवाश सब बोला मैंने क्लीन कर लिए और हमारा एक आ, मेरा ब्रांड का डिजिकॉसपर्ट का क्रीम आता है दैट इज ब्राइट एंड शाइन क्रीम नाइट क्रीम तो वो आप लगाओगे हर दिन तो आपका पूरा टेन टेन डेज में उठ जाएगा जहां से भी गोवा से भी आओ कहाँ से भी आओ टेन डेज में टेन डेज में एकदम कन्फर्म रिजल्ट टेन डेज में आपको उठ जाएगा आप हमारा गूगल में जाके भी आप लोग हमारा हमारा जो रिव्यूज़ है आप देख सकते हो गोल रिव्यूज इन या और आप हमारा वेबसाइट रिव्यूज व्हाट्सएप रिव्यूज सब कुछ देख सकते हो रहा? तो हर टेन डेज में आपका टैन चले जाएगा स्किन से इसका थोड़ा प्रोसेस आप समझाओगे कि ये टैनिंग एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है मतलब

ऐसा uh, भी होता है कि किसी के बहुत फास्ट आता है किसी के स्लो आता है मैं फॉर मी इट्स लाइक थोड़ा भी समय अगर मैं थ्री आवर्स वन आवर भी अगर रह गया इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी कि पूरा टैन रह जाता है तो वो नेचुरली कितने समय में जाता है और क्या स्किन टाइप में निर्भर करता है कौन कितना या स्किन टाइप पर निर्भर ऐसे ही करता है कि मतलब तो आपको बहुत सेंसिटिव स्किन है ना तो आपको रेड रेडनेस आ जाएगा सन में ज़्यादा जाओगे ना रेडनेस हो जाएगा तो आपका और ज़्यादातर ये गोरा लोगों को ज़्यादा होता है वो मतलब टैनिंग एंड वगैरह तो आपको ये ऑलमोस्ट वन टू टू मंथ्स में आपको ये टैन धीरे धीरे खुद से चला जाता है लेकिन बहुत लोगों का ऐसा भी केस हुआ है कि टैन हुआ है कम हुआ है लेकिन पूरा जो पहले जैसा था ना जिसका था पहला ऐसा कलर वो आया ही नहीं तो आपको वो, उन लोगों के लिए वो आपको क्रीम लगाना का ज़रूरत है हाँ क्योंकि मेरे साथ में ऐसा मैंने देखा है कि आ, अगर एक बार जैसे टैन हो गया तो फिर वो सात आठ महीने तक नहीं जाता है मतलब दो महीने में नहीं रहता वो रहता ही है सेवन एट मंथ तक कोई पुराना दोस्त हाँ। का भी मिला होता है तो उन्हें ज़्यादा आसपास के लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता लेकिन आ, जो बहुत दिन बाद बाद मिलते हैं उन्हें ज्यादा क्लियर डिफरेंस हाँ, लेकिन आप लगाओगे ना तो आपको वो विद इन फिफ्टीन डेज टेन डेज में चला जाएगा पूरा फिफ्टीन डेज टेन डेज में वो आप लोग स्टेप बाई स्टेप निकालते हैं उसे लवली सो ये तो रहा टेनिंग का प्रोसेस और ऐकने के लिए प्रोप्रीनो बैक्टेरियम एक्नी नाम का एक बैक्टीरिया होता है तो उसके वजह से पी इसको बोलते हैं उसके वजह से एक्नी का प्रॉब्लम होता है ठीक okay. तो है, है तो अभी एक्नी टीनेजर में जब हार्मोन हिट करते हैं तब जब एडोलेशन पीरियड में होते हैं तो उसके वजह से हार्मोन डिसबैलेंस के लिए और बहुत लड़की को पीसीओ रहता है तो उन लोगों के लिए एक्नी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है तो अभी एक्नी को आपको कैसे करना है एक्नी के लिए पहले आपको इनर हेल्थ इनर हेल्थ ठीक करना है इनर हेल्थ आपको कैसे ठीक करना है आपको ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह खाना नहीं है okay. आपको थोड़ा मतलब फ़ास्ट फूड जंक फूड्स नहीं खाना है बॉडी को हीट होने से रोकना है थोड़ा नारियल पानी पीना है ठीक है और उसके साथ आप जब कभी मेकअप वगैरह थोड़ा कम यूज़ करना है जिसका एक्नी प्रोन स्किन है और यूज़ भी कर रहे हो तो घर आके बहुत लोग में देखा ये गलती करता है कि घर आता है आके और वो मेकअप उठाते ही नहीं है मेकअप ही नहीं करता है तो उसके लिए वो उसका पोर्स क्लॉग हो जाता है उसको समझ ही नहीं आता है पोर्स क्लॉग हो जाएगा तो क्या नहीं होगा ब्रेकआउट्स होगा आपको वो उठाना चाहिए और रात को आप एक सेलेक् सीरम आप यूज करिए हमारा ब्रांड का भी है एक्निक्लियर सीरम तो आप वो भी यूज कर सकते नहीं तो आप कोई भी ब्रांड का सेलिस सीरम यूज करिए और धीरे 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 मतलब पहले आपको अगर स्टेज वन स्टेज टू तो आप सीरम देखें उस थोड़ा कम कर सकते हैं स्टेज थ्री स्टेज फोर में पीलिंग में जाना पड़ेगा तो डॉक्टर से कॉन्सल्टेशन करने के एक दो तीन चार स्टेज होता है कि मतलब कौन सा स्टेज में कितना सीवियरिटी होता है तो इसके ऊपर अगर आपको स्टेज थ्री स्टेज फोर में चले गए ना तो पील के साथ हम लोग मेडिसिन भी सजेस्ट करते हैं तो ताकि आपको, आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको सीरम लगा के कम नहीं हो रहा है तो आप लोग तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लीजिए हम तो मेडिसिन भी सजेस्ट कर देंगे मेडिसिन मेडिसिन खाना है और उसके साथ पीलिंग करना है तो उसके आपको पूरा का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है ओके सो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट इसमें जाग रहा है कि स्टेजेस में क्या डिफरेंस रहता है सीवियरिटी मीन्स

जो अभी आपने जस्ट कहा कि जंक फूड और उसका रिलेशन एक को रहता है तो यानी कि आप किस प्रकार की डाइट ले रहे हैं वो बहुत आपकी है। फेस पे पेट होता, करता होता, है।, होता है।, है एक और चीज जो हम बॉडी माइंड कनेक्शन की बात करते हैं तो वट इज द रोल ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस का कितना रोल है आपकी स्किन खराब होने में जब हम स्ट्रेस में रहते हैं ना तो हमारा स्ट्रेस होना कॉर्टेसल रिलीज होता है कॉर्टेसल रिलीज होता है तो कार्टिसल रिलीज होने में क्या होगा आपका फेस में ब्रेकआउट्स मतलब बहुत लोग होते हैं जो स्ट्रेस में

तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है सो एंड वट इज़ द रोल ऑफ लाइफ स्टाइल इन दिस कि आप अगर एक सर्जेंट्री लाइफ है बैठे रहने का है एक्टिव ज़्यादा नहीं है तो उससे आपकी स्किन ओवरऑल किस तरीके से प्रभावित होती है देखिए आजकल के दिन में सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं ठीक है तो मैं सबको नहीं बोल सकता कि आप हर दिन दो घंटा का जिम करिए नहीं तीन घंटा मतलब वो भी निकलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि जिम नहीं कर पा रहे हो सब ठीक है मतलब लेकिन आपको एक एक्टिव लाइफ रखना चाहिए फॉर एवरीथिंग नॉट फॉर ओनली स्किन मतलब आपको अच्छा वेल बींग मतलब इनर हेल्थ सब कुछ ठीक करने के लिए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो इसके लिए आप थर्टी मिनट्स एटलीस्ट निकल कर आप वॉक कर लो थर्टी मिनट्स वॉक कर लो उसमें बॉडी का टॉक्सिन रिलीज होगा थोड़ा आपको स्वेट होगा आप एटलीस्ट आप योगा कर लो मेडिटेशन कर लो और बैड हैबिट्स मतलब अल्कोहल स्मोकिंग देखो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया अल्कोहल स्मोकिंग तो आई एम नॉट टेलिंग कि स्टॉप कर दो इसको मतलब स्टॉप करना तो वेरी मतलब बहुत अच्छा वो तो बहुत ही बढ़िया <laughs> है अगर स्टॉप नहीं करो धीरे 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 रिड्यूस कर लो इसको मतलब वो भी okay. बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करता है स्किन में तो अल्कोहल का या किसी स्मोकिंग का किस तरीके से इम्पैक्ट आता है स्किन पर अगर स्मोकिंग बहुत ज्यादा करोगे ये क्या होता है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बॉडी में पैदा हो रहा है तो आपको स्किन स्किन में आके आपको मतलब वो आपका स्किन का जो टाइटनेस कोलाजन प्रोडक्शन उसको धीरे धीरे डाउन कर देगा तो आप जब एज की तरफ जाओगे वो स्किन थोड़ा धीरे 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 सैगी होना स्टार्ट हो जाएगा इस पर थोड़ा और बताइए ये जो एज के साथ तो ये कोलेजन जो है नेचुरली डाउन होता रहता है राइट सो so, इसके लिए क्या किया जा सकता है बिकॉज मैं कई बार कुछ एडवर्टाइजमेंट uh, देखता हूँ जिसमें आई थिंक थ्रेड लाइट प्रोडक्ट्स वो बताते हैं कि वो थ्रेड आपने यहाँ पे बस डाल के रख दिया एंड दे आर क्लेमिंग दैट इससे आपका ये कोलोजन है uh, so, no, 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 प्योर कोलोजन है एंड इट विल गेट इन योर स्किन एंड अगेन योर स्किन विल टाइटन सो इज दैट ट्रूर ऑफ दि थिंग्स नॉट ट्रू ऐसे कुछ होता ही नहीं है मतलब आप कोलोजन प्रोडक्शन का आपको इंक्रीज करना है तो बैड इफेक्ट छोड़ना पड़ेगा और आप बाहर से कोलाजन मतलब सप्लीमेंट आता है तो आप वो ले सकते हो लेकिन वो भी कॉन्सल्ट करके लीजिए मैं मेरा ये ओपिनियन है okay. कोलाजन को को जो आता है तो वो मतलब वो धीरे धीरे खाने से धीरे 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 एक साल दो साल बाद वो कोलाजन का लेवल बॉडी में धीरे धीरे आप होता है और कोलाजन आपको नॉट ओनली स्किन हेयर नेल्स सबके लिए बहुत बहुत बेनिफिश है बहुत बेनिफिशियल है और मेरीन फूड्स आप खाओगे में सी फूड्स सी फूड्स में बहुत ज़्यादा कोलाजन रहता है सो so, ये ये रिवर्सिबल है या इन रिवर्सिबल चीज़ है जैसे कि कोलाजिन एक बार आपका रिड्यूस हो गया है और वो स्किन में वो जो ढीलापन है वो आ चुका है तो इज इट रिवर रिवर्सिबल इसमें वापस हो टाइटनेस आ सकती है कितने समय में आ सकती है और क्या क्या एक तो आपने बोल दिया कि ये बैड हैबिट्स वगैरह से आपको आ, बाहर निकल जाना है तो सपोज यू आर आउट ऑफ ऑल थिंग्स एंड देन एक्स्ट्रा दे कैन डू अगर आप थर्टीज में हो ठीक है तो आपको कोला बहुत स्मोक कर ये कर रहे हो तो आप बाहर से कोलाजन ले रहे हो स्मोकिंग डाउन कर रहे हो तो कोलाजन आपका धीरे 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 आपको ठीक हो जाएगा आपको एजिंग जब होगा तब जाके आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन आप शायद हो फिफ्टी फाइव सिक्स ईयर्स ओल्ड है अब ठीक है तो आप भी तब भी स्मोक कर रहे हो अब कॉलेज ऑलरेडी डाउन हो गया लेकिन आपको कि आप तब आपको लगा सुना बाहर से कॉलेज लेंगे तब दैट टाइम इट्स नॉट पॉसिबल दैट मच इन दैट मच लेवल जो कि तीस साल में जो रिजल्ट मिलेगा आपको फिफ्टी साल में जाके वो रिजल्ट नहीं मिलेगा okay. तो इसलिए हम लोग बोलते ट्वेंटी फाइव साल के बाद ही आप एज एंड टीचिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो घर में ही मतलब खाना एंटीजिंग क्रीम लगाना एंटीजिंग सीरम लगाना तो धीरे-धीरे अगर आप ये प्रैक्टिस तो होगा ओके एंटीऑक्सीडेंट रिच सप्लीमेंट में okay. बूटा था सकते हो विटामिन सी विटामिन ई e, जो बहुत ज्यादा एंटी ऑक्सीडेंट जिसमें रहता है तो आपको स्ट्रेस होता है तो वो धीरे धीरे पॉल्यूशन से भी ऑक्सीडेंट स्ट्रेस होता है सबसे भी होता है तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी का कम हो जाएगा तो और इसके साथ आप और भी ज्यादा अच्छा लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इंजेक्शन कोलाज़न जाना इंजेक्शन में भी आ गया आई वी इंजेक्शन तो आईवी okay. एन okay, में ड्रिप करके आप और आपका

ओके okay. सो so, ये इसका इसका क्या सोर्स रहता है कहाँ से आता है ये ग्लो ये मतलब मैं फाइव बेसिक स्टेप रहा उसके अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है नो बैड हैबिट्स ईट हेल्दी टू एक्सरसाइज और अगर हो सके आप कभी मतलब थोड़ा बाहर जाओ मतलब बाहर का नेचर से मिलो इसमें भी स्किन का अच्छा स्किन मतलब थोड़ा ठीक हो जेंटल ब्रीज लो बाहर जाके तो टाइम अगर हो सके तो ये पाँच स्टेप आप करोगे ना तो आपको स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करना और खुश रहो मतलब हेल्थ आपको हैप्पी रहना ही बहुत जरूरी है मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड जितना भी स्किन केयर कर लो आपका स्किन में वो चमक आएगा ही नहीं ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि अंदर से आप कितने खुश हैं कितना हैप्पी अपने आप को रखते हैं दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट राइट बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल से दैट योर आईज योर फेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्ट राइट कि आपका अंदरूनी दुनिया कैसी है वो आपके चेहरे पर कहीं ना कहीं क्लियरली दिख जाती है तो वेल डन आई थिंक ये पाँच पॉइंट ही और पाँच के साथ में आई थिंक जो स्किन केयर रूटीन्स भी अगर कुछ रख सकें लोग तो दैट विल ऑल्सो बेनिफिट दै बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर स्पेशली ये कॉलेजन वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर सो वन मोर थिंग आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इज़ आप देखें तो पिछले कुछ सालों में एक इंडस्ट्री uh, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है कि ये जो फिलिंग कराते हैं बुटोक्स कराते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है तो एक तो होता है कि आपको जेनविनली कोई चोट लगी या कुछ हुआ उस पर लोग जनरली पहले कराते थे लेकिन आजकल लोग अपने फेस कट को शेप करने के लिए जो लाइन राइट right करने के लिए नोज़ सीधा करने के लिए लिप्स में फिलिंग होती हैं सो so, ये इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और आप अगर नॉलेज दे सकें और ये कितना हार्मफुल है कितना राइट right है स्किन के लिए एडवाइज़ेबल है नहीं है उसके ऊपर कुछ बताएं तो हाँ अभी आपने जो बोला ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो अभी लोगों का होता है मतलब इंडिया में भी होता है लेकिन बाहर का कंट्री बहुत ज्यादा हो रहा है अभी सभी फिर रशिया फिर और कोरिया में तो बहुत को, ज्यादा देखिए मतलब अभी लोगों को क्या हो रहा है मतलब किसी का लिप्स थोड़ा पतला है तो उसको चाहिए अब नहीं मेरा लिप्स थोड़ा मोटा चाहिए इसके इसके ऐसा हम लोग को लिप्स चाहिए मतलब अभी लोग क्या हो रहा है लोगों को देखें कि इसका लिप्स ऐसा है तो हमको ऐसा लिप्स चाहिए इसका नोज ये फिल्म स्टार का नोज ऐसा है तो हमको ऐसा नोज चाहिए तो मैं ये बोलूंगा कि मतलब देखिए साइड इफेक्ट्स तो अभी आप बता नहीं सकते ठीक है मतलब साइड इफेक्ट्स और मेरे ख्याल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे को मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है अदर देन द पोस्ट ऑप मतलब पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन ओके ये छोड़ के ठीक है तो अभी वो लोग जहाँ से मतलब जो जहाँ जहाँ होता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसीड्योर फॉलो करके पहले आपको ब्लड टेस्ट आपको ब्लड में कोई दिक्कत है कुछ प्रॉब्लम है शरीर में सब कुछ करके उसके बाद ये प्रोसीडियर में आता है आप जा मतलब आप ऐसा नहीं कि आप जाओ कहीं पर आपको ऐसे भी आप जाके बोल दो कि मेरा अभी फेस लिफ्ट कर दो आप कर देगा ऐसा नहीं आपको पहले बहुत टेस्ट कराएगा क्या यू आर एलिजिबल टू डू दैट और नॉट तो उसके बाद आपको कराएगा तो उसके लिए आपको क्या मेडिसिन चाहिए वो सब कुछ आपको देगा उसके बाद ही करेगा तो मेरे ख्याल से ये उतना कुछ मतलब हार्मफुल नहीं है अभी इंडिया okay. में भी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है स्टार्ट हो रहा है तो इसमें इतना ज़्यादा हार्मफुल मतलब इतना घबराने का कोई ज़रूरत नहीं और लोग सोचते हैं कि कोई इंजेक्शन दे रहा है तो साइड इफेक्ट्स हो जा रहा है क्यों इसमें कोई है ही नहीं इंजेक्शन दे रहे में साइड इफेक्ट्स क्यों होगा आपको इंजेक्शन में क्या दे रहा है? वो देखना पड़ेगा right. इंजेक्शन में बेनिफिट्स यही है कि आप ओराली जब कुछ ले रहे हो तो वो आपको काम बायो अवेलेबिलिटी जो होता है जो मेडिकल टाइम में बोलता है बायो अवेलेबिलिटी जो होता है कि आपका बॉडी में एब्जॉर्ब मतलब आप हंड्रेड एम का कुछ लिया बॉडी में ट्वेंटी एम जी एब्सॉर्व बाकी एट्टी एम का कुछ काम का नहीं है लेकिन अगर आईवी में आप दे रहे हो मतलब तो इंट्राफिनास या कुछ इंजेक्शन के दे रहे हो तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है ओनली इन आई वी उसका बायो अवेलेबिलिटी रहता है हंड्रेड परसेंट आप जितना दे रहे हो उतना आपको जा रहा है बॉडी राइट तो इसके लिए रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है आप देखना कोई आपका अगर थोड़ा बुखार हुए पैरस्टमलॉल टैबलेट ले लिया ठीक है लेकिन आपको देखना आपको बहुत बुखार कम ही नहीं हो रहा है आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वो लोग आपको में पैरिस्टामॉल डाल के देगा क्योंकि इंजेक्शन में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी काम करेगा इसमें इसमें इतना डरने का कुछ बात नहीं है ओके तो यानी इट्स अ सेफ प्रोसेस सेफ प्रोसेस है बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि इंसान को खुद को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है और इनफैक्ट अगर आपके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट ही वो है आजकल इतना कंपटीशन भी है और मॉडलिंग एक्टिंग इतना सारा कंपटीशन है कई बार आपको जो अपने पीयर ग्रुप से अपने कुलीग से जो फीडबैक्स मिलते हैं आजकल इतने सारे पीआर मैनेजर्स होते हैं तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें रिकमेंडेशनस आते हैं तो कई बार उस पीयर प्रेशर के लिए भी लोगों को करना पड़ता है और इस्पेशली एक्ट्रेस हम बॉलीवुड में या कहीं देखें तो एक एज के साथ जो स्किन में डाउनफॉल आ रहा है उसके लिए लोगों को करना पड़ता है कई बार आप अगर ऐसी हीरो टाइप आपकी शक्ल नहीं है भले ही आप एक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन वो हीरो मटेरियल नहीं है तो शायद वो कमर्शियल सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है तो भी लोग करते हैं मेरे है। ख्याल से ये बुट्टॉक ट्रीटमेंट या अलग अलग प्रकार की चीज़ें करते हैं सो इफ इट इज़ प्रोफेशनली रिक्वायर्ड आई थिंक इट्स ओके इफ़ इट इज़ नॉट हार्मफुल अगर एक एक्सपर्टीज लेवल के साथ आप कर रहे हैं तो बट एट द सेम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू एम्बरेस योर सेल्फ एज वेल कि जो आपको प्रकृति ने दिया है उसको एक एम्बरेस करना भी साथ में ही मतलब जरूरी है यू एक्सेप्ट व्हाट आर बट मेरे ख्याल से मतलब अगर आप थोड़ा सुंदर बनना चाहते हो इसमें कोई गलती नहीं है मतलब, मतलब ये कोई बुरी डिजायर नहीं है आप अगर सुंदर दिखना चाहते हैं तो गुड पॉइंट आई थिंक और वट इज़ द एक्सपर्टीज लेवल इन इंडिया कि अगर कोई ये कराता है तो विच कंट्री इज़ गुड अकॉर्डिंग टू यू और क्या इंडिया में अभी वो एक्सपर्टीज लेवल है कि इज इट सेफ बिकॉज़ कुछ कुछ अगर राइट right एक्सपर्ट के साथ में आप नहीं है और राइट क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं है तो आई थिंक वो चांसेस तो हर जगह पे रहते ही हैं सो वॉट इज़ एज ए इंडियन मैं यही बोलूँगा कि ऐसा कुछ चीज़ वर्ल्ड में है ही नहीं जो इंडिया में नहीं हो सकता है अच्छा इंडिया इज़ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री तो मतलब इंडिया में बहुत कुछ होता है जो बाहर कंट्री में नहीं होता है तो nice. अभी आपको जो जान के हायरानी होगा बहुत ऐसा है मतलब बाहर का जो इंडिया में तो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट लेने के लिए ठीक है अच्छा ओके तो इंडिया का ग्रोथ मतलब ये अलग लेवल का है और इस इंडस्ट्री भी अलग लेवल का इंडिया का ग्रोथ है और बहुत सब ये जो फेस लिफ्टिंग बोल रहे हो लिप फिलिंग बोल रहे हो लिप फिलिंग में क्या है लिप फिलिंग कुछ नहीं हाइड्रोनिक एसिड इंजेक्शन होता है वो पुश करता है दैट्स इट वो वो वाटर को होल्ड करते हैं और आपको लिप को फिल कर देता है बस दैट्स इट

लोगों में इन सब ट्रीटमेंट को लेकर के होता है स्पेशली इन योर फील्ड हाँ मैम मॉडलिंग में मैं जब किया तो एवरी ऑन आगे सर आपका मतलब आपके स्किन कैसे मिले आपको थोड़ा हमको भी कुछ दिख बोलिए हमको कैसे ही, मतलब दे आर वेरी मच क्रेज अबाउट दिस फील्ड मतलब कैसे और सुंदर बनना बन सकते हैं और सुंदर और सुंदर इसका कोई लिमिट ही नहीं है तो

आजकल का दिन में डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर डिग्री मतलब कोई कुछ डिग्री बात करो पैशनेट रहो तो ऐसा ऐसा भी बहुत एक्सेप्शन बिल गेट्स जो जिसके पास मतलब डिग्री से पैशन ज़्यादा था तो ऐसा लोग भी है लेकिन डिग्री आजकल का दिन में कुछ जगह में जाने के लिए आपको डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन आपको पैशन अगर रहेगा ना आपको चीज़ करने मज़ा आएगा मतलब आपको वो चीज़ करके आप मजा ढूंढोगे तो आप अगर किसी से मजा मिल जाएगा ना आपको तो आप ऐसे ही वो कर लोगे राइट तो मैं सबको ये बोलूँगा पैशन पैशनेट बनो चीज़ में और फोकस रहो और आपका लाइफ का मतलब जो डिटर्मिनेशन है डेडिकेशन है वो उसमें लगाओ और तभी लगा पाओगे जब आप उसमें खुशी मिल रहा रहे हैं right. ये वेरी इंटरकनेक्टेड है मतलब आप किसी चीज़ अगर कर रहे हो जिसमें खुशी नहीं मिल रहा है तो आप वो कर जबरदस्ती कर रहे हो कर रहे हो करो लेकिन एक दिन जगह आप फर्स्ट्रेट हो जाओगे लेकिन आपको उस चीज़ में खुशी मिल रहा है ना करती रहूगा मतलब मैं जब बिजनेस का का शिप का काम करना मतलब मैं तो ये फोर्टीन फेबर स्टार्ट किया लेकिन दो साल से मैं इसका तैयारी किया मैं एग्जाम के टाइम पढ़ता था उसके बाद मैं पूरा रात जाग जाग के सब लोग जब गेम खेल रहे थे सब लोग जब घूमने जा रहे थे तो दैट टाइम आई वॉज सिट इन द आई वॉज सिटिंग इन द होम एंड जस्ट सर्चिंग फॉर हाउ टू मेक दैट हाउ टू रिसर्च इन दैट हाउ टू डू मोर ग्रोथ इन दिस फील्ड तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा और मेरे को वो करने में कोई थकावट नहीं आता था मेरे को अच्छा लगता था कि और जानकारी मिल रहा है और जानकारी मिल रहा है बहुत बढ़िया बात ही आपने कही और आ, मेरे एक आ, फ्रेंड है हिमेश मदान करके काफ़ी फेमस यूट्यूबर है तो वो जब पॉडकास्ट पर आए थे तो उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी कि एडिक्ट डज नॉट रिक्वायर मोटिवेशन कि जब आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाएँ तो फिर आपको कोई मोटिवेशन चाहिए नहीं आप सेल्फ मोटिवेटेड मशीन बन चुके हैं सो मैनी टाइम्स वेन यू आर सो पैशनेट जो कहा आपने अगर आपके काम जो खुशी दे रहा है उस खुशी से जब आप हो गए उस काम करने की अडिक्ट हो गए तो अब कौन सा मोटिवेशन बाहर से चाहिए क्या थकान लगेगी आपको कोई थकान वाली स्थिति आएगी नहीं आपके अंदर सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट दैट यू शुड हैव दैट पैशन और अभी ये हमारे एज के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है कि मतलब बहुत लोग की का... मतलब अभी तो सब शब्द तो आर्न करना नहीं स्टार्ट करते हैं ना तो अभी कोई बिजनेस खोलने के लिए तो उतना फंड नहीं मिलता है तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कम फंड में धीरे धीरे कैसे स्टार्ट कर सकते हो राइट right. और सेकेंड पॉइंट होता है कि इस उम्र में लोग बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं मतलब ये कुछ किसी का हार्ट ब्रेक हो गया तो बैठ गए मतलब पूरा दिन मतलब एडिक्शन एडिक्टेड हो गया कुछ चीज़ पे तो अगर आपको हार्ट ब्रेक हुआ अब अच्छे काम एडिटेड हो ना कि आपको खुद का ग्रो करना है राइट right. तो इसमें होगा तो आपको अच्छा मोटिवेशन आई थिंक इसमें एक बड़ा ट्रेजेडी भी है ह्यूमंस के साथ में कि जो उम्र करियर बनाने की है दिल भी उसी उम्र में लगता है एकदम सही बात तो एक वो फोकस कैसे लाए व्यक्ति ये अच्छा पॉइंट आपने बताया एंड यू आर द राइट पर्सन वेरी यंग एज वेल सो जो आप कह रहे हो कि जिस समय लोग वीडियो गेम खेलते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में घूमते हैं समय निकालते हैं वहाँ पे अपनी एनर्जी देने लगते हैं उस समय पे अपने आप को कैसे फोकस करें कुछ बिल्ड करने के लिए देखो आपको अगर अच्छा पार्टनर मतलब अच्छा गर्लफ्रेंड्स हो पार्टनर हो जो मिल गए तो मतलब ये पार्टनर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर वो आपको मोटिवेट कर रहे तो वेल एंड गुड आप गॉट योर पार्टनर वेरी आपको और भी आप बहुत बड़ी जगह में जाओगे तो आ, लेकिन आपको अगर वो देख रहे हो कि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है डीमोटिवेट कर रहा है आपको हर टाइम झगड़ा मतलब ऐसे टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझ नहीं पा रहा है तो आई थिंक यू शुड को फ्रॉम दैट थिंग बिकॉज आपका लाइफ बहुत बड़ी है मतलब आपका लाइफ को आपको पहले फर्स्ट प्रविटी देना चाहिए मे भी बहुत चीज़ों में मैं नहीं बोलूँगा कि आई एम आई एम सो परफेक्ट क्योंकि कोई परफेक्ट होता ही नहीं है तो मैं भी बहुत गलती कर चुका हूँ लाइफ में कि मैं भी खुद को टाइम ना देके दूसरों को टाइम दिया लेकिन लास्ट में जाकर ना उस सबको कोई मायने नहीं रखता है

हर बात पे लास्ट मोटिवेशन मोटिव ये रहता है कि आप अच्छे से अच्छा बनो अब अच्छा ग्रो करो राइट इंटेंशन हमेशा आपका तो खुश देखने होती है इस, होती। इस बात तो मतलब ये सब चीज़ों में लाइफ खराब मत करो सबके लिए जितना लोग देख रहे सब एक जनरेशन को बोलूंगा ये सब चीज़ों में लाइफ खराब मत करो लाइफ बनाओ और जिसको आपको लाइफ में आना है वो ऐसे ही आ जाएगा जिसको रहना नहीं है वैसे ही आप जितना भी कुछ कर लो लाइफ में चला ही जाएगा तो ये सब चीज लेकर ज्यादा स्ट्रेस मत लो आपको लाइफ बनाओ बहुत मोटिवेट रहो और अच्छा-अच्छा काम करो लाइफ में बस दैट्स इट लवली द बंजॉय बहुत ही मजा आया एंड नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर और अब हम रैपिड फायर पे चलेंगे सो नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर विद द बंजॉय सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एंटरप्रेन्योरशिप को आप एक शब्द में कैसे बयां करेंगे एडिक्शन uh, सुबह उठकर आप सबसे पहले क्या करते हैं जो आपके पूरे दिन का एनर्जी uh, और फोकस मैनेज करने में मदद करता है सुबह उठ के हॉस्पिटल ड्यूटी जाना होता है मेरे को पहले इसके लिए पहले तो मैं आ, नहा लेता हूँ नहा के पूजा करके पाँच दस मिनट मेडिटेशन करके और गर्म पानी में डट नींबू डाल के वो पी के फुल चार्ज गर्म पानी में नींबू के स्किन के लिए कुछ है या डाइजेशन के लिए के लिए, लिए पूरा दिन का को एक किक स्टार्ट मिल जाता है पूरा हेल्थ मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर देता है मेटाबॉलिज्म कर देता है आपने अपनी ऑनटोपिनोरियल जर्नी में अब तक का सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा है कि ऑल यू हैव टू डू किसी बिजी या हेक्टिक दिन में आपकी क्विक स्ट्रेस रिलीफ की क्या टेक्निक है जिम आपको आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन कहां से मिलती है मेरे मम्मी बिजनेस में लिया गया सबसे बड़ा रिस्क क्या लगा अभी तक का सबसे बड़ा रिस्क तो मेरे को ये लगा मेरा ब्रांड फॉर्म कर पता भी नहीं था मैं तो पूरा ब्लाइंड था आपको कौन सा स्किन केयर रूटीन सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है फेस मास्क अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या बनने की सोच रहे होते स्किन केयर से जुड़ी कोई ऐसी गलत फहमी जो आप लोगों की दूर करना चाहते हैं केमिकल्स में कुछ मतलब साइड इफेक्ट्स ऐसा कुछ मतलब अगर प्रॉपरली लगाओ तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में सबसे बढ़िया स्किन मेल में और फीमेल में किसका लगता है मेल में ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन एंड okay, फीमेल में कैफ you